अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, IMISI YouTube चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, कभी भी मारखोर बोलता नहीं है, लेकिन दुश्मन की चीखें जरूर बताती हैं कि यहाँ पर मारखोर आया था। मिस्र के पास जंगी त्यारे तो थे, मगर इनको उड़ाने के लिए बेहतरीन पायलट ना थे। फिर अचानक से क्या होता है कि वही मिस्री तैयार है ना सिर्फ उड़ने लगते हैं, बल्कि इसराइलियों की खूब पिटाई लगाते हैं। दुनिया हैरान रह गई कि जो कल तक अपने तैयारे को ढंग से उड़ा नहीं सकते थे, वो पलक झपकते ही हमारी पिटाई कैसे करके चले गए। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो तैयारे मिस्र के थे, लेकिन उसके अंदर मारखोर सवार थे जो उन तैयारों को उड़ा रहे थे। इसी तरह ही दोस्तों, अजरबैजान एक मुस्लिम ममालिक है और आर्मीनिया जो एक ईसाई मुल्क है। देखते ही देखते इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। आर्मीना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इस बात का खतरा था कि अजरबैजान के मुसलमान शिकस्त खा जाएंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अजरबैजान के मुसलमानों ने आर्मीना के ईसाइयों की खूब पिटाई की, जिसके बाद आर्मीनिया को बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब अजरबैजान के फौजियों ने बेखबरी में अपने मोर्चों की वीडियो शेयर की, पता चला कि इनके साथ भी मारखोर खड़े थे। बाकी सुनने में आया है कि दुनिया के हसास तरीन मकामात पर भी मारखोर के निशानात पाए गए हैं। आगे आप खुद भी समझदार हैं, पाक आर्मी पर भरोसा रखें। इनको सब मालूम होता है कि कब किसको कहां और कैसे निपटना है। दोस्तों, आप लोगों का भरोसा ही मारखोर को दुनिया की सबसे बहादुर एजेंसी बनाती है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।